आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं बीएसएन प्राइम। ये है आज के मुख्य समाचार। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाकर अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि देश और दुनिया के ताजा समाचार सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं खास समाचार। या तो मैं कहता हूं इत्तेफाक राय से कहिए आ जाओ, हम तैयार हैं। लाल किले पर बुलडोजर चलाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ताज महल नहीं है, तेजो महल है, उसको खोदो, उसके नीचे त्रिशूल मिल जाएगा। हिम्मत है तुम्हारे बाप में, खोदो, दिखाओ पूरी दुनिया को कि तुम कितने ईमानदार हो। तो ताजमहल की तरफ नहीं जाएंगे, लाल किले की तरफ नहीं जाएंगे, जाएंगे वहां जहां तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचे। ताजमहल ताजमहल है तो मेरा क्या फायदा है, कब्जे में तो तेरे हैं, उसका तेजो महल नाम रख दे, हमें क्या फर्क पड़ता है, उसकी आमदनी तू खा रहा है, हमें नहीं मिल रही है। ताजमहल तूने किराए, लाल किला तूने किराए पर उठा दिया, अपने रिश्तेदारों को दे दिया, अपने बाप को दे दिया, हमारे किस काम में आ रहा है। लाल किले पर झंडा फहराने तो तू जाता है, अगर तेरी हिम्मत है तो लाल किले पर बुलडोजर चला, ताजमहल पर बुलडोजर चला, हम तेरे साथ हैं। अगर ये काम तू करता है तो हम मान लेंगे कि ज्ञान व्यापी में कोई फव्वारा नहीं है, गणेश शिवलिंग ही है, करके दिखाओ। उन लोगों की जूते कारी नहीं कर सकते जो चैनल पर जाकर बैठते हैं, आपके पड़ोस में रहता है, मेरे पड़ोस में रहता है, मैं तो जूते सुबह शाम मारता अगर वो चैनल पर जाता। एक कमबख्त जाता है, अपनी बेइज्जती करवाता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि तुझे बेइज्जत करके वो तेरी पूरी कौम को बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। ऐसे तमाम लोगों का जब तक आप बायकॉट नहीं करोगे आपका मसला हल नहीं होगा। हमारी कयादत आज भी एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है, ईगो हर्ट होती है, एक दूसरे के साथ कैसे सर जोड़ के बैठे। एक 19 को मीटिंग बुलाता है, दूसरा 29 को मीटिंग बुलाता है। अब हमें यह बता देना है कि हमारी आस्था भी किसी अदालत के अंडर में नहीं है। उलमा तबलीग करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, समझाते हैं, रात रात भर जलसे चलते हैं, और नतीजा यह होता है कि जब तक जलसा चलता है तब तक वज्र तारी रहता है, और जलसे के बाद वही रफ्तार बेढंगी। कुछ करना है, अगर कोई संजीदा फैसला लेना है तो बिना माइक के, बिना कैमरे के जब आप बैठेंगे तब कोई नतीजा निकाल सकेंगे, और माइक के सामने और कैमरों के सामने हम जो कुछ अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो हमारे लोगों तक पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाता है जहां नहीं पहुंचना चाहिए। हमें तो वो भी याद है कि तन्हा निकल पड़े और कारवा बनता गया। हिम्मत कीजिए, हौसला कीजिए, खड़े हो जाइए, इंशाअल्लाह कारवा बनता चला जाएगा, और इतना बड़ा कारवा बनेगा कि इन जालिमों के बस की बात नहीं होगी कि उसको कंट्रोल किया जा सके। मेरी समझ में एक बात आती है अदालत पे हमने भरोसा किया और अदालत ने इंसाफ किया, अदालत ने माना हमारे इख्तियारात, माने हमारी मिल्कियत मानी, लेकिन हमारे सीधेपन को भी माना कि ये बड़े भोले लोग हैं, बड़े सीधे लोग हैं, मिल्कियत इनकी है,
तमाम इख्तियारात इनके हैं, लेकिन अगर उनके बेईमानों के हवाले कर दिया जाएगा तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे। अब हमें ये बता देना है कि हमारी आस्था भी किसी अदालत के अंडर में नहीं है। अखबारों में फोटो छपवा देना, अखबारों में नाम छपवा देना, ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल यह है कि मुत्तहिद होकर सड़कों पर आ जाइए। सरों की कीमत हमेशा रही है। एक जमाना था जब सर काट के और सर कटवा के अपनी बात मनवाई जाती थी, आज सर दिखाकर अपनी बात मनवाई जा सकती है। अगर सर दिखाने की भी हिम्मत और ताकत नहीं है तो फिर हम पर लानत है। अमन पसंद तरीके से हम सड़कों पर आए, जद्दोजहद करें, धरना दें, प्रदर्शन करें, जेल भरो आंदोलन चलाएं। जेल से ज्यादा हमें क्या दे सकते हैं ये लोग? अगर जेल से ज्यादा इनके पास कुछ है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो मैं समझता हूं किसी मीटिंग की जरूरत नहीं है। ज्यादा एनर्जी हमें अपनी जाया नहीं करनी चाहिए। मीटिंगें करते रहिए, वक्त जाया करते रहिए। अभी उन्होंने, हैरत की बात है, मैं तो हिंदू समाज से भी कहता हूं, पूरी दुनिया में हिंदुत्व का मजाक बनवा रहे हैं। यानी फाउंटेन और शिवलिंग में फर्क नहीं कर सकते, कैसे लोग हैं ये? चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। मैं तो उन अपने हमवतन हिंदू भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस मामले में हमसे ज्यादा बेचैनी महसूस करते हैं, हमसे ज्यादा उनकी आवाज बुलंद हो रही है। और मुझे यकीन है कि जिस दिन आप निकल कर आएंगे, क्योंकि मसला आपका है, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, लेकिन जिस दिन आप लड़ाई लड़ने निकल पड़े तो हिंदुस्तान की बड़ी हिंदू आबादी आपके साथ खड़ी होने को तैयार बैठी है, क्योंकि वो भी थक चुके हैं इन बेईमानों से थक चुके हैं, इनकी बेईमानियों को बर्दाश्त करते करते थक चुके हैं। आगे आपको आना पड़ेगा, अपने हक की, अपने मसाइल की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़ने को ही नहीं आएगा, जिस दिन आप आओगे उस दिन तमाम कौमें, तमाम बिरादरियां, तमाम लोग आपके साथ आने को तैयार बैठे हैं। मेरी बहुत लोगों से बात होती है, वो ये कहते हैं कि ये हिंदुत्व नहीं है जो ये बता रहे हैं चंद चैनल। और कैसे हैं आप लोग ज्ञानवापी? अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी इसकी पाबंदियां लगने शुरू होंगी। जिस तरह बाबरी मस्जिद के साथ हुआ, बिल्कुल वही होना है, आहिस्ता आहिस्ता। फिर अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो हमारे अपने पिछलों ने अगर किया होता तो बाबरी मस्जिद का यह हशर ना हुआ होता। और अगर आज हमने कुछ ना किया तो हमारी आने वाली नस्ल को ये उन्हीं तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। दो रास्ते हैं आपके पास, या तो इसी तरह मीटिंग करते रहिए, अपने जज्बात को तस्कीन पहुंचाते रहिए, वाह वाह करते रहिए, या फिर इत्तेफाक राय से पूरे हिंदुस्तान में एक ही दिन हिंदुस्तान के हर जिले में अपनी अपनी जिम्मेदारी लीजिए, एक कमेटी तैयार कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। एक ही दिन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर आएंगे और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। और मुझे यकीन है कि हर दिल में बेचैनी है। हर वो शख्स जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि इन तकलीफों से निजात मिलनी चाहिए। आपको याद होगा मैंने 20,000 मुसलमान बुलाए थे सर पे कफन बांध के आने के लिए। मुझसे कहा मियां कोई नहीं आएगा, बीवियां अपने शौहरों को कमरों में बंद कर देंगी, माएं अपने बेटों को कमरे में बंद कर देंगी, मरने के लिए कोई नहीं भेजेगा। लेकिन मैंने 20,000 बुलाए थे तो 2,00,000 आ गए मरने के लिए। अगर मरने के लिए आ सकते हैं तो क्या जेल जाने के लिए हर जिले में 2-2,00,000 नहीं आ सकते? बताओ, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? हिंदुस्तान के हर जिला मुख्यालय पर कम से कम 2,00,000 मुसलमान जमा हो और हुकूमत से मांग करें कि या तो अपना तरीका दुरुस्त कर लो,
या इस बेईमान हिंदुस्तान में हम नहीं रहना चाहते, हमें जेल में भेज दो, हम जेल में रहना चाहते हैं। और जेल जाना मर्दों का काम है, और मुझे लगता है कि यहां जितने लोग बैठे, यहां तो बड़ी कीमती शख्सियत नीचे बैठी हुई है, मैं देख रहा हूं, हैरत कर रहा हूं, ये तो स्टेज के लोग हैं तमाम। और आप लोग अगर फैसला कर लोगे तो मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान की फिरका परस्ती को जड़ों से उखाड़ कर फेंक सकते हो।